नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस टीवी और हाजिर हो चुकी हूँ मैं आपकी दोस्त रंजीत कौर लेकर आपका अपना महफिलों वाला प्रोग्राम शाम ए महफिल। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम से आप काफी वाकिफ हैं, तभी तो आपकी भेजी हुई सारी शायरियाँ हमें बताती हैं कि आप इस प्रोग्राम के साथ कितना जुड़ चुके हैं। तो चलिए आज भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए और देखते रहिए यस टीवी। चलिए इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और शामिल करते हैं आज की यह पहली शायरी। जी हाँ, ये कहते हैं कि हंसाता था मुझको, रुला भी देता था, करके वो मुझसे अक्सर वादे भुला भी देता था। बेवफा था मगर अच्छा लगता था दिल को, बेवफा था मगर अच्छा लगता था दिल को, कभी कभार बातें मोहब्बत की भी सुना देता था। कभी बेवक्त ही चला आता था मिलने को, कभी बेवक्त ही चला आता था मिलने को, कभी मोहब्बत के कीमती पल भी गवा देता था। थाम लिया था हाथ मेरा यूं ही कभी, थाम लिया था हाथ मेरा यूं ही कभी, खुद कभी हाथ अपना मेरे हाथ से चुरा भी लिया था। अजीब धूप छाओं सा था मिजाज उसका, मोहब्बत भी करता था नजरों से घेरा भी देता था। यही मिजाज है प्यार वालों का। जी हाँ, जो प्यार करता है वही जानता है इन शायरियों की अहमियत को। चलिए इसी के साथ अगली शायरी को भी शामिल कर लेते हैं। कहते हैं कि एक बेवफा को हमने इस दिल में जगह दी थी, एक बेवफा को हमने इस दिल में जगह दी थी, ख्वाबों की दुनिया अपने उससे ही सजा दी थी। चाहा था उसको हमने खुद से भी बहुत बढ़कर, उस चाहत में हमने ये हस्ती भी गवा दी थी। मालूम नहीं था हमको वो बेवफा भी होगा, मालूम नहीं था हमको वो बेवफा भी होगा, उस पर भरोसा करते खुद को ही सजा दी थी। सोचा था साथ मिलके काटेंगे जिंदगी को, सोचा था साथ मिलके काटेंगे जिंदगी को, उसने तो एक पल में ही हर बात को भुला दिया था। कैसा सितम है देखो वो कब से जुड़ा है मुझसे, कैसा सितम है देखो वो कब से जुड़ा है मुझसे, अपनी जिंदगी जिसका साया सा बना दी थी। चलिए इसी के साथ इस महफिल को यहीं तक रखते हैं और फिर से मिलने की ये बात और फिर से मिलने की बात जरूर करते हैं। दोस्तों, आपकी दोस्त आपसे अभी इजाजत लेती है लेकिन कल फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके अपने इसी प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है शाम ए महफिल। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर और देखते रहिए यस टीवी। खुदा हाफिज़।